देखो क्या, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। मतलब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना नंबर है 19 नंबर 5.2। तो यहां बोल रहा है क्या कि 1995 में 1995 में सुबह राव जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, यानी जॉब करती है, उसका जो सैलरी है पहला 5000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 5000 रुपया मिलता है। ध्यान से समझो, एक लाइन का क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट सैलरी 5000 मिला, ए वन बराबर कितना हो गया 500 हो गया। अब बोल रहा है क्या 1900, जैसे सबका इंक्रीमेंट होता है प्रत्येक साल उसके जॉब के आधार पे और उसका वर्क के आधार पे इंक्रीमेंट है, तो ये जो जिस कंपनी वगैरह में काम कर रही है प्रत्येक साल 200 रुपया करके बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है तो इंक्रीमेंट होना जरूरी है। इसका प्रत्येक साल यानी नेक्स्ट 1996 में इसका सैलरी कितना हो गया 5200। फिर 1997 में इसका सैलरी कितना हो गया 5400। इसी तरह से इसका सैलरी 1998 में कितना हो गया 5600। तो यानी डी हमको दे दिया है क्वेश्चन से, यानी इंक्रीमेंट क्या कर दिया, डी बराबर दे दिया। अब बोलता है कितना साल बाद, यानी कौन सा ईयर इन विच डिड ही इनकम रीच 7000, इन विच ईयर डिड इनकम रीच, तो कितना होगा, यानी 7000 होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना साल बाद, यानी एन बराबर ए निकालना है, यानी कितना साल बाद, जैसे एक साल में 200 रुपया बढ़ा कितना हो गया 2, 3, 4 कितना साल, यानी ए एन तुमको दे दिया कितना 7000। यही क्वेश्चन था, हमको निकालना क्या है एन, तो हम लोग को एन नहीं निकाल सका था यहाँ पर, कोई नो, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना है मेरा 7000, ए कितना है मेरा, एन मेरा तो नहीं पता है, डी पता है, तो इसको इधर लेकर जाएंगे 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200 कितना होगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200, तो 200 कटेगा कितना बार में 10 बार में, यानी हम यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं एन माइनस वन इज इक्वल टू 10, यानी एन बराबर कितना होगा, यानी 11 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, उसका जॉब में कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी 7000 रुपया सैलरी हो जाएगा, पहले इतना तो लिखो इसका कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर ईयर भी आ जाएगा। तो यहां क्वेश्चन पूछा था क्या, इन व्हिच ईयर, मतलब कौन सा साल है ना, डिड हिज इनकम रीच कितना, 11वां साल, कितना साल 11th ईयर, मतलब काम करने जिस टाइम से स्टार्ट की उस साल के बाद से 11 साल बाद उसका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, यानी जो सैलरी है उसका कितना हो जाएगा, बता कौन सा ईयर होगा, 1995 में तो स्टार्ट की, 2006 2005 साल होने वाला है, ये तो ये काउंट होगा ना, ये साल में कितना था इतना, फिर ये साल में कितना है 5002, फिर कितना 7, फिर कितना इसके बाद 8, इसके बाद 6, तो ये 99 2000 2001 कितना होगा बताओ 6000 2 2 6000 4 3 6000 6 4 6000 8
इसका सैलरी कितना हो जाएगा? समझ में आया? यही क्वेश्चन का एंड पॉइंट था, समझ में आया? कभी कभी ईयर पूछता है तो ईयर बताना है, यदि यहाँ एल बोला कितना साल में तो एनएफ पूछेगा तो ईयर बताएंगे, बोल देगा ईयर, कभी कभी 95 से कि कौन सा ईयर, तो चार ईयर दे देगा तुमको, तो काउंट करके लिख देगा, समझ में आया? इसलिए ये गलती होता है जब तो क्या क्वेश्चन कर रहा है देखो, सेविंग पे डिपेंड है क्वेश्चन, बोलता है रामकली सेव बचा रही है 5 रुपया इन द फर्स्ट वीक, यानी एक सप्ताह में वो, यानी फर्स्ट सप्ताह कितना बचाई? 5 रुपया बचाई। इसका बोलता है ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल का, फिर देन इंक्रीज द हर वीकली, मतलब प्रत्येक सप्ताह वो इंक्रीमेंट कर रही है, मतलब पहला सप्ताह यदि 5 रुपया बचाई तो फिर दूसरा सप्ताह में कितना हो जाएगा? 5 + 1.7 यानी 6 रुपया, 75 रुपया बचा रही है। फिर बोल रहा है तीसरा सप्ताह क्या कर रही है? फिर 1.7 रुपीज एक्स्ट्रा जोड़ रही है, कितना होगा? 7 और 8 8.5। इस तरह का कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बोलता है एन वीकली, मतलब एन सप्ताह बाद, कितना सप्ताह बाद? एन सप्ताह के बाद उसका जो वीकली सेविंग होता है वो 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो कितना सप्ताह, यानी डी दे दिया, कितना बचा रही है? 1.75। और लास्ट में बोलता है कितना बचा रही है, यानी लास्ट में जो उसका इनकम होगा बढ़ कर कितना हो गया? 20.75। तो बोलता है एन बराबर, यहाँ लिख भी दिया है साफ साफ वर्ड में, बट एन बराबर 1, तो दिख रहा है साफ साफ बना, तो ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 20.75। ए कितना है? 5। एन नहीं पता है, डी तो पता है 1.75। ये इधर जाएगा, कितना होगा? 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, तो क्या होगा यहाँ? 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7.75। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 15.75 बाय 1। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, क्लियर? yes, तो क्या हो, कैंसिल हो गया? yes, कितना बार में कटेगा देखो? 175 कितना बार में कटेगा? 9 बार में, देखो पहले ऐसा से। कितना बार में कटेगा? 9 बार में, कितना बार में कटेगा? तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n बराबर क्या हो गया? 9 + 1, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 10। यानी 10वां सप्ताह उसका जो सेविंग होगा 20 रुपए 75 पैसे का होगा, समझ में आया? क्लियर? yes, yes, इस तरह से तुम्हारा 5.2 भी क्लियर हो गया, क्या हो गया? 5.2 क्लियर हो गया। देखो एक्सरसाइज 5.3 फॉर्मूला क्या है? एस यानी एस एन जितना टर्म तक जोड़ने बोलेगा उतना टर्म तक निकालना है, यानी एस मतलब सम, एस का मतलब क्या होगा? सम, एड करो, एन का मतलब जानता होगा एनेट टर्म, ए का मतलब जानता होगा फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब कॉमन टर्म। यदि इसी फॉर्मूला को दूसरा अवयव में बोले तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी इस केस में क्या, यदि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है ये वाला यूज करेंगे, यदि लास्ट टर्म दिया है ये वाला यूज करेंगे, और कभी कभी एल लिखा रहेगा कभी ए एन लिखा रहेगा, दोनों बात इक्वल है। ए एन बोलता है बिगनिंग और वो बोलता है एंड, तो यहाँ उनको लेना नहीं है, बिगनिंग और एंड से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर हो गया? तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सब कोई देखो, अभी हम लोग बनाते थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब कोई है, तो अगला क्लास में ये फॉर्मूला प्रूविंग होगा, यानी प्रूव दैट अगला क्लास में होंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला को प्रूव किया करेंगे, तो पहले जान लो, पहले 2-4 मैथ बना लो,
ये कहां से आया, ऐसे तुम्हारा टेंथ लेवल में नहीं पूछेगा, यानी फॉर्मूला प्रूविंग नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। जैसे इलेवेंथ वगैरह में जाएगी तो हो सकता है प्रूफ डेट दे देगा यही वाला, तो करना कैसे। तो एड का मतलब पहले समझ लो, जैसे ये बोलेंगे दो का पहला पहला टर्म का एड कितना होगा, दूसरा टर्म का एड कितना बोलेंगे, एस टू बराबर टू प्लस फोर कितना होगा सिक्स, फिर बोलेंगे एस थ्री बराबर कितना टू प्लस फोर प्लस सिक्स कितना होगा सिक्स ट्वेल्व, इसी तरह बोलेंगे एस फोर बराबर कितना जोड़ेंगे ट्वेल्व में एड जोड़ेंगे ट्वेंटी, इसी तरह बोलेंगे एस फाइव बोलेंगे कितना होगा थर्टी, एस सिक्स बोलेंगे ये तो जोड़ रहे थे निकाल रहे थे तभी जैसे निकाला, यहाँ कितना टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो तुम आसानी से निकाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अब इसी सीक्वेंस यानी एपी का हम बोल देंगे एस थर्टी बराबर वन, तो क्या करें? तो क्या करेगा यदि हम बोल देंगे एस अभी सिक्स का दिख रहा था साफ साफ, तो नहीं सकते नहीं पंगा जानता भी था तो दिमाग में समझ गया आसानी से बोल दिया एस वन का टू होगा एस टू सिक्स होगा ट्वेल्व होगा, फटाफट बोल दिया फॉर्मूला को मार बोल दिया कुछ जम जाए या नहीं। अब इसी को बोल देंगे तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क यदि करता है तो क्या करेगा, लिखेगा पहले सबसे पहले यानी तीस तक लिखेगा, इसके बाद बैठ बैठ कर जोड़ेगा, क्या करेगा बैठ बैठ कर जोड़ेगा। तो ये तो तुम्हारा हो गया हार्ड वर्किंग, तो ये क्या होगा यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है, हमको फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और तुरंत बैठा देंगे। यदि मान लो इसी क्वेश्चन को अभी तीसरा टेस्ट निकालना था तो पहला यहाँ पे क्या हो गया ए मेरा कितना हो गया टू, डी मेरा कितना हो गया टू, तो यहाँ देखो ए और डी पता चल गया, एन निकालना है कितना टर्म का थर्टी टर्म का, तो हम यदि फॉर्मूला में यहाँ बैठा देंगे कितना होगा एस थर्टी इक्वल टू क्या होगा थर्टी बाय टू टू ए, पहला टर्म कितना था टू था ना, थर्टी माइनस वन और डी कितना था मेरा टू, यहां निकालो कितना होगा फिफ्टीन टू टू जा फोर प्लस थर्टी में वन गया ट्वेंटी नाइन टू जा फिफ्टी एट होगा। इसके बाद क्या करेंगे फिफ्टीन इंटू दोनों को गुना करेंगे सिक्सटी टू, गुना करके जितना होगा वो मेरा क्या हो गया थर्टी टर्म का सम निकल गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ, ये शॉर्टकट हो गया यानी फॉर्मूला जब आया तो ये क्या हो गया शॉर्टकट हो गया। इसी टर्म में यदि हम लास्ट टर्म बोल देते जैसे यदि इसका लास्ट टर्म यदि हम बोल दिए सपोज डेट मान लो हम बोल दिए इसका लास्ट टर्म 188 आता है तो बताइए यहां तक का सम कितना होगा। तो मेरा क्या था फॉर्मूला एन पता करना चाहिए था, थोड़ा सा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा, समझ में आया ये वाला। अभी हम लोग लेते हैं इसी छोटा टर्म को लेते हैं टू फोर लिए, इस क्वेश्चन को फिर से देखो पहला वाला समझ में आ गया कैसा यूज करेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से यूज करेंगे, अभी एक सीक्वेंस दे दिया टू फोर मान लो फोर्टीन दिया समझ लीजिए तो कितना नंबर में फोर्टीन आएगा। देखो पहला हम यहां दे देते हैं ए बराबर टू दे दिया या छोड़ो ए और बी नहीं देते हैं दो छ तीन आठ दस बारह सेवन बन यानी एन बराबर तुमको हम दे दिए सेवन बोला इसका सम निकल तो तुमको ए पता चल गया है टू है बी भी पता चल गया टू है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे एस बराबर एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरा कितना है 14 पता है ना जी तो 7 बाई टू गुना कितना होगा कितना होगा ओके कितना होगा समझ में आया। अब फॉर्मूला डोली को पहला नंबर क्वेश्चन नोट करो, देखो 5.3 का पहला सवाल दिया हुआ है, पहला टाइप में तुमको दिया हुआ है कि सम निकालना है कितना एन टर्म का, तो सबसे पहले सीक्वेंस में है किसमें है सीक्वेंस में तो हियर ए वन बराबर कितना देखो यहां चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोल दिया है क्या है एपी है
तो क्या निकालेंगे, ए टू कितना दिया हुआ है 7, तो डी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन यानी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। फिर बोलता है एन कितना टर्म तक का निकालना है, सम निकालना है, तो अभी पता चल गया सम का फॉर्मूला एस एन लिखेंगे तो क्या होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमको पता चल गया एस टेन तक कहीं निकालना है तो क्या होगा टेन बाई टू टू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है ये कटेगा 2 2 9 5 49, तो कितना हो गया 5 इंटू 49, तो 9 5 45 मेरा 4 2 4 5 कितना हो गया 2 4 5। तो पहला टाइप में 4 क्वेश्चन है बन जाएगा, बस बना लेना दूसरा टाइप। देखो टाइप 2 में क्या बता रहा है, अब ये इस तरह से जो लिखा रहता है ना इसको बोलते सीरीज, हम पहला दिन बनाया वो पहले वाला क्या था सीक्वेंस में था, ये क्या है सीरीज में, यानी सीरीज मतलब सीक्वेंस के बीच में प्लस लगा दो वो सीरीज बन गया, क्या बन गया सीरीज में बन गया। तो यहाँ पे ये करना उसमें मतलब जैसे करता है वैसे ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ए वन बराबर कितना है 7, ए टू बराबर कितना है 10 1/2 यानी कितना बोलेंगे 10%। तो हमको यहाँ क्या निकालेंगे डी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन यानी 21/2 - 7 यानी हो गया 2 21 - 14 यानी 7/2। और एन हमको दे दिया है 84 यही दिया हुआ है। यदि हम अपना दिमाग लगाए और फॉर्मूला देखे सबसे पहले, तो पहला फॉर्मूला मेरे पास है एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होगा, और दूसरा फॉर्मूला बोले एस एन बराबर एन बाई टू प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और तीसरा बोले एस एन बराबर एन बाई टू प्लस ए प्लस एन। तो यहां पे मेरे पास तीनों इनकम्प्लीटेड है, यानी पहला वाला से हम आसानी से निकाल सकते हैं, पहला वाला से निकाल सकते हैं, लेकिन एन नहीं है हमारे पास, एन है नहीं है, तो एन नहीं है दो चीज किसी चीज में दो मिसिंग रहेगा तो फिर पता लगाना मुश्किल है, एक मिसिंग रहता तो पता लगा लेते। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा एन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इसलिए इसका टाइप टू दी है। तो एन बराबर हमको पता है क्या, यानी यहां से यहां तक का बीच का संख्या कितना है, कितना नंबर तक निकालते 5 10 15 20 कितना नंबर तक, तो एन बराबर फॉर्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना होगा 84। तो ए कितना है 7, एन ही तो निकालना है, डी कितना है 7/2 84। ये उधर जाएगा कितना होगा एन माइनस टू इंटू 7/2 इक्वल टू 84 - 7, तो एन माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल टू कितना होगा 77। ये कटेगा 7 11 यानी एन माइनस वन इक्वल टू 22, उधर से मल्टीप्लाई होगा यानी एन बराबर कितना निकल गया 25। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाना आप मेरे लिए ही हो गया, यानी हम मेरे पास ये आ गया यानी एस एन बराबर लिख सकते हैं एन कितना निकल गया 23/2, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 7 और लास्ट टर्म मेरा कितना है 82। बैठा देंगे क्या होगा 23/2, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 91, दोनों को इंटू करो और टू से डिवाइड कर दो, समझ में आया, देख लो मल्टीप्लीकेशन वगैरह सही से देख लो कहीं कुछ मिस्टेक तो हुआ नहीं, 7 से कटेगा 7 जाएगा 11, देख लो सारा सही है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। टाइम थर्ड, अब इसमें क्या है तुमको यहाँ पे सारा चीज पता होना चाहिए, क्या क्या, पहला एन ए डी ये तीन तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, अब चौथा आ गया ए एन, इसको भी जानना जरूरी है यदि फॉर्मूला यूज करना है, तभी देखा जब एन नहीं दिया रहेगा ए एन रहता है, क्या रहता है ए एन रहता है, यानी अब 5 टर्म तुम्हारे पास आ गया,
तब जाकर तुम क्या निकाल पाएगा एस एन, यानी जब ये दिया रहेगा ये डायरेक्टली दोनों क्या है जुड़ा हुआ है, या तो एन दिया रहेगा डायरेक्टली या तो फिर ए एन दिया रहेगा, तो यानी ये दिया रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये, अभी देखा ना ए एन था तो एन था नहीं था, यानी ए एन इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा बनेगा ए डी ए एन, ये दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा एस एन निकालिए आराम से निकालेंगे, या फिर एक कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारा एन ए डी और एस एन निकालने बोलेगा, यानी ए दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारा, तब जाकर तुम आसानी से निकालेगा, यहां दिया रहेगा तो आसानी से हम लोग पहला टाइप में निकाल दिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन दूसरा टाइप में के लिए जब ये दिया रहा तो पहले एन निकालना पड़ा तब जाकर ये निकला, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मूला में अप्लाई करेगा, यानी एन बी मस्ट सबसे पहले एन जरूरी है तभी जाकर निकलेगा, इसलिए थर्ड टाइप में क्या है उसी टाइप को बनाना है, तो थर्ड में देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है, दिया क्या है कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है, ए एन के साथ में करना है या एन के साथ में करना है, बस क्वेश्चन को देखो लिखो और खत्म हो गया आंसर, यानी डी ए दे दिया देखो यहाँ क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए कितना है फाइव, डी कितना है थ्री, ए एन कितना है फिफ्टी, अब तुमको दो चीज निकालने बोल दिया एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, ये तो ऐसे भी जानता होगा कि पहले एन निकलेगा तभी एस एन निकलेगा, तो एन निकालने के लिए मेरे पास है तो ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन कितना है मेरा फिफ्टी, ए कितना है मेरा फाइव प्लस एन नहीं पता डी थ्री, तो क्या होगा ये इधर जाएगा जाएगा नहीं सर कितना होगा 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री कितना होगा 15, यानी 15 इक्वल टू एन माइनस वन यानी एन इक्वल टू 16, अब एक का निकल गया दूसरा क्या बोला है एस एन निकालिए, कौन सा फॉर्मूला में निकालेगा तुम्हारे मर्जी, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे पास है ये बेटर रहेगा, ये भी निकाल सकता है ये भी निकाल सकता है, बेटर ये दोनों में से कोई एक है, क्योंकि मेरे पास ए एन पता है तो एन कितना निकला 16, तो 16 बाय 2 प्लस फर्स्ट एन कितना है 5 और ए एन कितना निकला दिया हुआ 50 कितना होगा 8 5 14 समझ पाए, ये हो गया टाइप थ्री, यानी टाइप थ्री में तुम्हारे पास दो दो सवाल है 10 कितना सवाल है 10, कभी कभी ए एन नहीं लिखकर उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एन लिखता है, तो बात एक ही है समझ ली, तो यहां तक तुम क्वेश्चन 3 तक बना कर लेकर आना, यानी 5.3 में 3 क्वेश्चन रहा होमवर्क में तुम्हारा, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3, इसी टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे 5.3 में, यानी टाइप 1 तुमको अच्छा से पता चल गया, टाइप 2 बनाने सीख गए और टाइप 3 सीख गए तो पूरा मैथ खत्म हो गया।